हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जायशा। आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही अमेजिंग स्नैक्स की रेसिपी। ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बन के तैयार होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे मैदा 1/2 कप, चावल का आटा 1/4 कप, कॉर्नफ्लोर 1/4 कप, पाउडर शुगर 1/4 कप, वेनिला कस्टर्ड पाउडर 1/2 टीस्पून, एक चुटकी नमक। इन चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडा 1, ऑयल 1.5 टेबल स्पून, मिल्क 2/3 कप। मिल्क हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे, एकदम नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गांठियां बन जाती है। थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं, एक फ्लोई कंसिस्टेंसी बना के तैयार करनी है। ये देखिए हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनके तैयार है। हमें ऐसे ही फ्लोवी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इस बैटर को पाइपिंग बैग में डाल लेंगे और नीचे से छोटा कट लगा लेंगे, बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है हमें। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हेवी बॉटम पैन। पैन को मैंने पहले ही हीट कर लिया था और फ्लेम को हम मीडियम में रख लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। आपको जिस तरह से पसंद उस तरह से शेप दे दे, बस ध्यान रहे कि हमारे कोन का जो होल है वो छोटा रहे, नहीं तो हमारे स्नैक्स क्रंची नहीं बनेंगे। बस इसे हम 2 मिनट तक बेक कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक बेक करेंगे, फिर इसे रोल कर लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम सारे स्नैक्स बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं। बस कोशिश करिएगा कि जब भी इसे बनाएं ना तो बिल्कुल गरम गरम सर्व करें, तभी ये ज़्यादा क्रिस्पी रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लास्ट रोल बन के रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सारे रोल बन के रेडी है। तो एक मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितना क्रंची बना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बन के रेडी है। तो आप भी इस मज़ेदार स्नैक्स को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।